हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अन अकेडमी यूपीएससी पर डेली मॉर्निंग मैं लेकर आता हूं आपके लिए करंट अफेयर्स मंथन, और करंट अफेयर्स मंथन में हम प्रिलिमिनरी और मेन्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पर, कई सारे मुद्दों पर करते हैं चर्चा। आइए फटाफट से शुरू करते हैं 19 और 20 तारीख के करंट अपडेट्स को, करंट इश्यूज को, क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। तो फटाफट से शुरू करेंगे अपने सेशन को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अन अकेडमी की प्रोफाइल पे जरूर से फॉलो कर लें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे स्पेशल क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, है ना। कल से, हाँ वैसे तो हमें कल से ही करना था, मतलब यस्टरडे से करना था, बट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, है ना। 10 AM पे यहाँ पर हम काफी सारे MCQs आपको करवाएंगे। MCQs के माध्यम से 1 ईयर का करंट अफेयर्स करवाने की कोशिश है। बाकी जो हमारे सेशन के टाइमिंग्स हैं वो ये हैं, बट ये टाइमिंग्स अब एप्लीकेबल नहीं है। नए टाइमिंग्स क्या है जानने के लिए आपको पूरा सेशन देखना पड़ेगा। सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि नए टाइमिंग्स क्या है। बाकी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे आपको सारे सेशन के टाइमिंग्स मिलते रहेंगे। स्पेशल क्लासेस जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल सुबह 10 बजे से होने वाले, उनको जरूर से अटेंड कीजिएगा। इंटरेक्टिव क्लास होता है वहाँ पे, लीडर बोर्ड वगैरह की सुविधा है, तो MCQs करने में बड़ा मजा आएगा वहाँ पे आपको, है ना। रेज हैंड का बटन है वहां पे लेक्चर के, आपको PDF नोट्स जो है वो ऑटोमेटिकली आधे घंटे के बाद अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपको नोट्स के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। UPSC कॉम्बैट जो हमारी तरफ से एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। हर संडे को ये हम लोग करवा रहे हैं, और जो भी टॉप रैंकर्स होंगे उनको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। हमारी तरफ से कुछ फ्री टेस्ट सीरीज भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, DN लाइव कोड यूज करके आप इन फ्री टेस्ट सीरीज का भी फायदा उठा सकते हैं। चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ, काफी सारे इंपॉर्टेंट है ना अपडेट्स आज हमारे पास डिस्कस करने को हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जो अलग अलग विभिन्न मैगजीन्स हैं जैसे टिकी, डाउन टू अर्थ, उन सभी को हम कोशिश करते हैं कि इस सेशन में इंक्लूड करें। आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है चाइना के न्यूक्लियर कैपेसिटी, या आप कहिए चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको चाइना बढ़ा रहा है, उसका विस्तार कर रहा है, इसके बारे में हमारी सबसे पहली चर्चा है आज, है ना। तो चाइना का जो स्कोप और प्रोस्पेक्टिव साइज है ना, चाइना उन दोनों को बढ़ा रहा है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, है ना। तो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार ऐसा पता चला है कि चाइना की जो वेस्टर्न प्रोविंस है जिनजियांग, है ना, जिस प्रोविंस का नाम आपने कई बार सुना भी होगा, जिनजियांग प्रोविंस के अंदर चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहां पर चाइना अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस बढ़ा रहा है, या आप कहिए कि न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल, जैसे पुराने जमाने में आता था ना बाण मारिए प्रभु, है ना, तो बाण के मुंह पर, है ना, बाण के जो जो तीर होता था उसके हेड पर क्या लगा दिया जाता था, जहर लगा दिया जाता था, पॉइजन, है ना। तो उसी तरह बाण मारिए प्रभु, तो मिसाइल्स विथ न्यूक्लियर हेड, है ना, मिसाइल्स विथ न्यूक्लियर हेड, तो इनको यहां पर चाइना स्टोर वगैरह करके रख रहा है, है ना। तो क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा कि न्यूक्लियर मिसाइल सीलो फील्ड, एक टर्म देखिए यहां पर, एक टर्म आया आपके लिए सीलो फील्ड। अब आप बोलेंगे सर ये सीलो शब्द का क्या अर्थ है, है ना, सीलो शब्द का क्या अर्थ है, तो सीलो जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर वॉरहेड को स्टोर करने के लिए एक अंडरग्राउंड अरेंजमेंट है। पुराने जमाने में सीलो का प्रयोग किया जाता था ग्रेन स्टोरेज के लिए, फूड ग्रेन स्टोरेज के लिए, अंडरग्राउंड, है ना, हम फूड ग्रेन स्टोर करते थे, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, उसको हम कहते थे सीलोस। न्यूक्लियर आर्सेनल के भी प्रोटेक्शन के लिए हम उसको अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं। उसके दो प्रमुख कारण हैं अंडरग्राउंड स्टोरेज के। पहला कारण ये है कि जो अर्थ एटमोसफेयर सिस्टम में अलग अलग प्रोसेसेस चल रहे हैं, है ना, उनसे वो बच सके, सेफ रहे, है ना, उनका उन पे कुछ ज्यादा रिएक्शन वगैरह ना हो। दूसरा पर्पस ये है कि वो सेफ भी रहे, सेफ्टी इज ऑल्सो द सेकेंड कंसर्न। तो सीलोज यहाँ पर देखे गए, ठीक है, सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है कि जिनजियांग प्रोविंस में चाइना जो है वो सिलोस वगैरह पूरा का पूरा सिलो फील्ड, मतलब कई सारे ऐसे अंडरग्राउंड, है ना, वहां पर अरेंजमेंट्स चाइना बना रहा है। कितने, लगभग 110 सिलोस यहां पर हैं, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। और ये डेवलपमेंट जो आ रही है, दिस इज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एविडेंस दैट चाइना हैड ऑलरेडी बिल्ट अ साइट विथ 120 सिलोस इन कौन सा रीजन, यूमेन रीजन। तो एक जगह पर ऑलरेडी 120 सिलोस वाला, मतलब 120 अंडरग्राउंड स्टोरेज वाला चाइना के पास फैसिलिटी है, दूसरा अभी और डेवलप कर रहे हैं 110 वाला। जाहिर सी बात है कि चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। और जो जिनजियांग प्रोविंस है
उसका भारत के साथ भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, भारत से भी बहुत दूर नहीं है, तो इसके बारे में अब इंडिया को भी अटेंटिव होना पड़ेगा कि भैया दुश्मन है ना, सॉरी पड़ोसी है ना, पड़ोसी जो है वो आखिर कर क्या रहा है, तो पड़ोसी क्या कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। आप देखिए है ना, दीज आर द सिलोज है ना, और ये जो रेड मार्क्ड है दीज आर सिलोज अंडर कंस्ट्रक्शन, जो ब्लू है दीज आर साइंस ऑफ सॉइल क्लियरिंग, यहाँ पे सॉइल क्लियर किया जा रहा है, और ये सपोर्ट फैसिलिटीज हैं, ठीक है, दीज आर द सपोर्ट फैसिलिटीज, तो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर इतने सारे साइट्स बन रहे हैं, और लोकेशन चाइना के अंदर क्या है ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है बॉस। तो चाइना के लिए क्या मायने हैं, या आप कहिए कि हमारे लिए क्या मायने हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो सिलो शब्द पहले आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बता भी दिया है, वैसे तो वर्टिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, वर्टिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह का है ना, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, लेट अस से दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे इस तरह का, ग्राउंड लेवल से नीचे इस तरह का है ना सिस्टम बनाया जाता है, और इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा सा ढक्कन होता है, इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा सा ढक्कन होता है, जो ढक्कन उसको आप कह सकते हैं मतलब रोकने के लिए है ना, इसको बोलते हैं ब्लास्ट डोर, इस ढक्कन को क्या बोलते हैं, ब्लास्ट डोर, तो बड़ा सा ढक्कन होता है, और ये जो सिलोज होते हैं दे आर यूजुअली कनेक्टेड फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली टू अ मिसाइल लॉन्च कंट्रोल सेंटर, है ना, कंट्रोल सेंटर से बैठ के जब आपका मन हुआ आ जाओ है ना, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करते हैं, गियर लगाया खड़ा बूम है ना, ऐसा वाला कंट्रोल सिस्टम से ये कनेक्टेड होते हैं। जो मिसाइल्स हैं दे आर स्टोर्ड अंडरग्राउंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट्स है ना एंड फ्रॉम अटैक, है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस और नेचुरल एलिमेंट से बचाना, दोनों ही उद्देश्य होता है कि सिलोज में हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अंडरग्राउंड है, ध्यान रखिएगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ऊपर एक ब्लास्ट डोर बना होता है, बड़ा सा दरवाजा बना हुआ होता है। चलिए, चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल की अगर बात करें तो चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल में लगभग लगभग 250 से 350 न्यूक्लियर वॉरहेड है चाइना के पास, है ना, ये किसके अनुसार, ये सिपरी के अनुसार, सिपरी क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, सिपरी के कुछ रिपोर्ट्स भी आते हैं, हमने रिसेंट टाइम में काफी बार डिस्कशन किया है, आपका होमवर्क आज ये है कि सिपरी का कौन सा रिपोर्ट, अभी कुछ समय पहले लगभग 1-1.5-2 महीने पहले एक सिपरी का रिपोर्ट आया था, कौन सा रिपोर्ट आया था, सिपरी है ना, तो सिपरी सिपरी का कौन सा रिपोर्ट अभी थोड़े समय पहले आया था, ये आपका होमवर्क है। तो सिपरी और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, जिसने अभी बताया कि चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ा रहा है, इन दोनों के अनुसार चाइना के पास 250 से 300 350 के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड है। चाइनाज न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल फोर्सेस है ना, वेदर लैंड बेस्ड और सी बेस्ड, हैव सर्टेनली इंप्रूव्ड इन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही टर्म्स में इंक्रीज हुआ है। क्वालिटी टर्म्स में इंक्रीज का क्या मतलब है, मतलब और ज्यादा एनरिचमेंट किया गया है ना, और ज्यादा एनरिचमेंट किया गया, और क्वांटिटी तो आप समझ ही रहे हैं, नंबर्स बढ़ाए गए हैं। यहाँ पर जो आप मिसाइल्स देखेंगे, जो चाइना है ना न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स क्रिएट कर रहा है, उसमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ना, आपको पता है मिसाइल शॉर्ट रेंज होते हैं, मीडियम रेंज होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं, फिर इंटर कॉन्टिनेंटल, देखो शब्द जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर मतलब दो कॉन्टिनेंट्स के बीच है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसका रेंज काफी बड़ा होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज है ना, तो मतलब लंबे लंबे है ना अटैक इन मिसाइल्स के माध्यम से चाइना कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसाइल चाइना यूज कर रहा है वो है DF-41 एंड DF-26, DF स्टैंड फॉर डोंगफेंग, ठीक है, तो मोस्ट पोटेंट लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम है ये, ठीक है, मोस्ट पोटेंट लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, इस पर न्यूक्लियर व्यूक्लियर लगा के चाइना तैयारी में है। पर समझ में आपको ये आना चाहिए कि आखिर चाइना की इस तैयारी की वजह क्या है ना, चाइना की इस तैयारी की वजह क्या है। यहां तक समझ में आ गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सब कुछ, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग ना, एक बार सेशन को जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब सवाल ये है कि आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, आप जवाब में ऐसा मत देना कि सर ये भी बताने की जरूरत है कि चाइना तो बॉर्न बदतमीज है। देखिए, सबसे पहले चाइना क्या चाहता है, अपनी सर्वाइबिलिटी बढ़ाना चाहता है अपनी आर्सेनल की,
अगेंस्ट द फर्स्ट स्ट्राइक फ्रॉम द न्यूक्लियर एडवर्सरीज, है ना। देखिए चाइना और यूएस दोनों की दुश्मनी चली रही है, तो अगर इनकेस यूएस जो है वो चाइना पर कभी इन फ्यूचर न्यूक्लियर अटैक करता है, क्योंकि यूएस का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो चाइना, हम चाइना का बोल रहे इतना ज्यादा है, तो यूएस का तो बहुत ज्यादा है। यूएस के पास लगभग लगभग 3800 वॉर हेड है, कहां चाइना के पास 250 से 350, यूएस के पास 3800 वॉर हेड है, ठीक है। तो उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो ऑब्वियस सी बात है उनके एडवर्सरीज के लिए थ्रेट है, तो बेसिकली चाइना उसके खिलाफ आप कह सकते हैं अपनी तैयारी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर अदर कंट्रीज टू फिगर इन चाइना न्यूक्लियर एक्सपेंशन, है ना, यूएस के अलावा बाकी देशों को भी ध्यान में रखा गया है चाइना के न्यूक्लियर एक्सपेंशन में। उन बाकी देशों में दो प्रमुख देश कौन से हैं, एक है आपका, है ना, हम सबका प्यारा भारत, और एक रशिया। अब रशिया वैसे तो आपको दिखेगा कि चाइना का दोस्त है ना, बट इन पॉलिटिक्स नो वन इज परमानेंट फ्रेंड माय गाय, है ना फ्रेंड। और दूसरी बात यह है कि देखो रशिया और चाइना, है ना, दोनों ही, है ना, दोनों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सेम है, तो किसी भी मोमेंट पर खटपट हो सकती है। तो रशिया को भी रडार पे रखा है और इंडिया को भी रडार पे रखा है, ठीक है। एक कारण ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं, शायद प्रोबेबली, है ना, मिलिट्री एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं, वॉर एक्सपर्ट्स जो है वो ऐसा कहते हैं कि शायद ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं ना कहीं चाइना ना मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है ना, चाइना जो है वो कहीं ना कहीं मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो कुछ और काम कर रहा हो, है ना, किसी और लोकेशन पे काम कर रहा हो, और चाइना नहीं चाहता कि वर्ल्ड कम्युनिटी का उधर ध्यान जाए, तो चाइना यहाँ दिखा रहा है कि देखो ये देखो है, उधर चल रहा है, क्या उधर चल रहा है, पूरा मेन कोर्स, है ना, और चाइना दिखा रहा है आपको सिर्फ स्टार्टर, ये देखो कबाब, है ना, और उधर पूरा मामला सेट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। जो सिलो बेस्ड मिसाइल एक्सपेंशन बीइंग अंडरटेकन बाय चाइना कैन आल्सो बी टू मिसलीड द एंड डिसीव एनिमीज बाय हाइडिंग एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूक्लियर टिप्ड वॉरहेड्स, तो ये भी पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि चाइना एक न्यूक्लियर डिटरेंट क्रिएट करना चाह रहा है ना, क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंट। लैंड बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जैसे कि सिलोस मीन्स दैट इट्स एनिमीज चाइना विल बी अ कंट्री विद अ ह्यूज नंबर ऑफ टारगेट। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। मान लीजिए मैं एक दुश्मन हूँ, है ना, मुझे दूसरे पर अटैक करना है, पर उस देश ने, ये कंट्री है जिस पर मुझे अटैक करना है, इस देश की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो मान लीजिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो मुझे पता है यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ पे अटैक करूंगा, इसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और मेरी लीडिंग पोजीशन हो जाएगी वॉर में। पर ये कंट्री निकला होशियार, इसने बोला तुम एक बार में एक ही जगह अटैक करोगे ना, दो जगह अटैक कर लोगे, हमने यहां भी डेवलप कर दिए, है ना, हमने यहां भी डेवलप कर दिए, हमने यहां भी डेवलप कर दिए, हमने अलग अलग जगह पर डेवलप कर दिए। इससे क्या होगा, मैं एक जगह अटैक करूंगा, दूसरी जगह से वो, है ना, इचक्यों मुझ पर तैयार हो जाएगा भाई साहब, समझ रहे हो, फंडा। तो ये फंडा है बॉस, है ना, ये फंडा है। तो चाइना क्या चाहता है कि अगर एक जगह अटैक हो तो हम दूसरी जगह से जवाब देने के लिए क्या रहे, तैयार रहे। भारत पे इसका क्या इम्प्लीकेशन है, देखिए भारत पे इसका इम्प्लीकेशन होना लाजमी है, वाजिब है, क्योंकि भारत और चाइना जो है एक तो पड़ोसी है, दूसरा बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है, तीसरा डायलॉग, या आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक मींस से सॉल्यूशन हो नहीं रहा है, है ना, अभी भी डी एस्केलेशन की हम बात कर रहे हैं। जो लद्दाख वाला सेक्टर है वहाँ पे कुछ पॉइंट्स पर डी एस्केलेशन पहले हो गए थे, कुछ पॉइंट पर नहीं हुए थे, देपसांग प्लेन्स है, हॉट स्प्रिंग वाला है, गोरगा हॉट स्प्रिंग वाला रीजन, तो अब बात चल रही है ना। तो जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में जब चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाएगा तो एक तरह से चाइना आप कह सकते हैं कि प्रेशर क्रिएट कर रहा है सामने वाले पर, है ना, या यहाँ पे सामने वाले तो हम ही हैं, तो हम पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है चाइना, क्योंकि ये जो रीजन है, ये रीजन भी जिनजियांग जो है वो भारत से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है, तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स वगैरह पर इसका असर पड़ेगा, हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है जी, कंफर्टेबल। दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं सीबीआई की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई के रिफॉर्म की, है ना, सीबीआई के रिफॉर्म की। तो अभी हाल ही में सीबीआई के पास एक केस आया जो बड़ा केस था, है ना, मोटा केस। अब मोटा केस था तो सीबीआई जो है वो बिल्कुल वैसे ही डर गया,
जैसे आप मोटी किताब लक्ष्मीकांत देख के डर जाते हैं, बोले अरे सर बड़ा मोटा है ना, वैसे सीबीआई भी डर गया। पर आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ आज शाम 9 बजे से, है ना। मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे, मंडे टू सैटरडे, तैयार रहिए आप, है ना। आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि मजे की बात यह है बॉस, मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, बहुत सही जी, बहुत सही। सेशन को शेयर जरूर करना है सबको ना, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। हाँ, मजे की बात यह है बॉस कि जो सीबीआई है हमारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस सीबीआई ने कर दिया, है ना, क्या सच बोल दिया। मद्रास हाईकोर्ट में बोला भैया बहुत बड़ा केस है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इस केस को मैनेज करने के, इस केस को हैंडल करने के लिए, है ना, वी आर शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, फंडिंग वगैरह नहीं है हमारे पास, है ना। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला अरे सेंट्रल एजेंसी हो आप, एपेक्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो आप, ऐसे कह रहे। बोला भैया नहीं है तो नहीं है। तो फिर मद्रास हाईकोर्ट ने तुरंत क्या किया, आप देखो जुडिशरी तो हमारे यहाँ की तेज तरह रही है हमेशा, जुडिशल एक्टिविज्म की भी हम लोग बात करते रहते हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट ने तुरंत रिकमेंडेशन दे दी कि ये करना चाहिए सीबीआई के रिफॉर्म के लिए, है ना। तो क्या क्या बातें हुई, सीबीआई क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, सारी बातें जानते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने 12 डायरेक्शन इशू किए हैं सीबीआई के रिफॉर्म्स के लिए, और पर्पस क्या है कि एक कंप्लीट ओवरहॉल, है ना, एक कंप्लीट रिफॉर्म सीबीआई का किया जाए, है ना। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात है, पर्सनल की भी बात है, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स की भी बात की गई है। कोर्ट इवन आस्क द सेंटर टू परस्यू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, है ना। कोर्ट क्या कह रहा है सेंटर से, केंद्र सरकार से कह रहा है कि ढांचागत सुधार भी करना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी करना चाहिए। ढांचागत सुधार में कोर्ट का क्या सजेशन है, मद्रास हाई कोर्ट का, ढांचागत सुधार में या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में मद्रास हाई कोर्ट केंद्र सरकार से कह रहा है कि आप सीबीआई को एक स्वतंत्र एजेंसी बनाएं, एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में, है ना, विकसित करें। अब आप बोले सर सीबीआई वैसे भी स्वतंत्र एजेंसी, बोला नहीं नहीं भी ढकोसले की बात है वो तो, है ना। बोले इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी वैसी होनी चाहिए जैसे इलेक्शन कमीशन के पास है, है ना, जैसे सीएजी के पास है। बोले इस प्रकार का इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी हो तो बताइए, है ना। अब देखो सीएजी और ईसी जो है वो सीबीआई से कैसे डिफरेंट है, सीएजी और ईसी दोनों जिनका नाम यहां पर हाईकोर्ट ले रहा है, बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना, दोनों क्या है, संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। जबकि सीबीआई जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, है ना, बना था। तो सीबीआई एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीबीआई इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मंत्रालय के अंदर आएगा तो उस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो होगा ही, खासकर रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस तो होगा ही, ठीक है। कल को रूलिंग पार्टी बनेगी तो फिर बदलेगी तो फिर उस पार्टी का इन्फ्लुएंस होगा, जाहिर सी बात। अभी हाल ही में एक केस था इनके सामने, 300 करोड़ रुपए का केस था, है ना, फ्रॉड का केस। तो इसमें सीबीआई ने बोला कि भैया हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तभी जाकर, है ना, मद्रास हाईकोर्ट ने इंक्वायर किया सीबीआई के अफेयर्स में और फिर ये 12 डायरेक्शन जारी की। क्या क्या इश्यूज हैं सीबीआई के साथ, एक तो फंडिंग की बात हो गई, है ना, और क्या इश्यूज हैं सीबीआई के साथ जरा समझने की कोशिश करते। आप देखेंगे कि सीबीआई में दो, है ना, आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। अगर पॉजिटिव एंड पे आप देखना चाहेंगे तो जो कन्विक्शन रेट है, है ना, वो तो इनका ठीक ठाक है। कन्विक्शन रेट टॉप 65% इन मोस्ट ईयर्स, है ना, 2001 से 2020 के बीच में ये जो 20 ईयर्स का, दो दशकों का, है ना, टाइम पीरियड है, इसमें कन्विक्शन रेट 65% है, विच इज अ फेयर कन्विक्शन रेट, है ना, फेयर कन्विक्शन रेट है ये। बट उसी समय आप देखेंगे कि इस दौरान जो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हुए वो लगभग 20,000 थे, पर इन 20,000 में से सीबीआई सिर्फ, है ना, 7,500 केसेस पर ही ट्रायल कर पाया या केस को आगे बढ़ा पाया। मतलब बैकलॉग जो है वो बहुत ज्यादा है, है ना। तो आप बोलेंगे फिर ये 65% कैसे हुआ होगा जब हमने 20,000 में से सिर्फ 7,000, मतलब इनमें से काफी सारे केसेस जो है वो उससे पहले के होंगे, है ना, उससे पहले के होंगे। तो बैकलॉग बहुत ज्यादा है, इसकी वजह क्या हो सकती है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है का सीधा सा वजह जो है वो ये है कि सीबीआई में पर्सनल यानी कि मैन पावर की कमी है।
मैन पावर की कमी का आलम यह है और एक्चुअल वजह यह है कि सीबीआई का अपना काडर नहीं है, है ना, सीबीआई का अपना खुद का काडर नहीं है। सीबीआई में ज्यादातर लोग जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली वर्किंग ऑन डेप्यूटेशन, है ना। तो अदर इश्यूज में यहीं पर सब पॉइंट बना के लिखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप यहां पे सब पॉइंट बनाकर लिखिएगा कि सीबीआई डज नॉट हैव इट्स ओन काडर, है ना, डज नॉट हैव इट्स ओन काडर, ठीक है। ऑफिसर्स वर्किंग ऑन डिप्यूटेशन बेसिस, ठीक है, ऑफिसर्स जो है वो डिप्यूटेशन बेसिस पर काम कर रहे हैं, ठीक है सर, कंफर्टेबल है यहां तक की बात समझ में आ गई। तो इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, है ना। इंडियाज मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन 2000 एंड 2020, बट सीबीआई का मैन पावर जो है वो 20 साल पहले 5700 था, तो अब बढ़कर मात्र 7200 हुआ है, मार्जिनल इंक्रीज है, है ना, मार्जिनल इंक्रीज है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी देखिए वो भी, ठीक है। तो एजेंसी हैज फ्लैग्ड फोरेंसिक्स एज द एरिया वेयर इन्वेस्टिगेशन फेस ह्यूज डिलेज, है ना, बोले फोरेंसिक्स में काफी ज्यादा दिक्कत है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी शिकायतें हैं, ठीक है। अदर इश्यूज में आप अगर एक दो और पॉइंट्स ऐड करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, आप यहां पे लिख सकते हैं, अदर इश्यूज में अगर मैं एक दो और पॉइंट ऐड करना चाहूं तो इंडिपेंडेंस की कमी है, है ना। सीबीआई जो है वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, चूंकि मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो अपने फंड के लिए, है ना, फंड प्लस जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इन सभी के लिए मिनिस्ट्री पर डिपेंडेंट है, इन सभी के लिए मिनिस्ट्री पर डिपेंडेंट है, तो फिर यहीं से इनके इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जब आप किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट है, खासकर फंड के लिए डिपेंडेंट है, तो फिर आप इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, है ना, आप इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, तो इनके इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि सीबीआई जो है वो एक सेंट्रल एजेंसी है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक स्टेट इशू है, है ना, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट का मामला है। तो कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि राज्य की सरकार ने मना कर दिया कि नहीं जी, इस मामले में हम सीबीआई को अपने यहां नहीं आने देते, सीबीआई को जो एक, है ना, मतलब परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है राज्य सरकार से, वो एक कहीं ना कहीं व्यवधान का वजह बन जाती है, खासकर उस सिचुएशन में जब केंद्र में दूसरी सरकार है और राज्य में दूसरी सरकार है। तो आप देखेंगे कि जनरल अप्रूवल जो है वो झारखंड जैसे राज्य ने, महाराष्ट्र जैसे राज्य ने सीबीआई के लिए, है ना, मना कर दिया, बोले भैया हम जनरल अप्रूवल नहीं दे रहे आपको, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं रास्ते का रोड़ा सीबीआई के लिए बन रहा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ और इश्यूज है, एडिशनल इश्यूज जो आपने यहां पर देखे उसके अलावा, ठीक है जी, कंफर्टेबल, चलिए, नहीं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रहे थे, हाँ, रिफॉर्मिंग द सीबीआई एंड द गवर्नमेंट्स डिसीजन, है ना। तो सरकार आप देखेंगे, चाहे अभी की रहे चाहे पहले की रहे, कोई भी सरकार बहुत ज्यादा, है ना, इंटरेस्टेड नहीं रही सीबीआई के रिफॉर्म को लेकर, है ना। गवर्नमेंट जो है वो एक स्टे लगाना चाह रही थी, मतलब एक बार रूलिंग भी आ गई कि सीबीआई को, है ना, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई का जो क्रिएशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको वापस से प्रॉपरली क्रिएट किया जाए, गवर्नमेंट ने उस पर स्टे सीक कर लिया, ठीक है। और आप देखेंगे कि खुद जुडिशरी कह रही है कि सीबीआई जो है वो एक केज्ड पैरट है, यानी कि पिंजड़े में बंद पक्षी है, तोता है, पिंजड़े में बंद तोता है, मतलब वो, अब तोते के साथ क्या होता है, आप उसको जो सिखाओगे वही बोलेगा, है ना, तोते के साथ क्या होता है कि आप उसको जो सिखाओगे, उसका मालिक जो सिखाएगा वही बोलेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि सीबीआई के जो मास्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, वो जो सिखाती है उन्हीं के स्वर में सीबीआई कहता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं इस मामले में, ठीक है। तो क्या सजेशन हो सकते हैं सीबीआई के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए? अच्छा, ये सजेशन ऐसा नहीं ना अभी दिया गया, पहले दिया गया था, अब यहाँ पे फिर आप वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट मत खेलने लग रहा कि मोदी जी के समय में ऐसा हो गया, है ना, नहीं ये कांग्रेस के ही समय में हो गया था, ठीक है, लेट अस नॉट प्ले गवर्नमेंट गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, तो सजेशंस क्या है सीबीआई के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए? बोले एक तो गवर्नमेंट को कुछ प्रोएक्टिवली, है ना, यहाँ पर स्टेप्स लेने चाहिए टू मीट द नीड्स ऑफ प्रीमियर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना, कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक प्रॉपर लॉ गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, वो लॉ सीबीआई के फंक्शनिंग को, उसके फंडिंग को और उसकी जवाबदेही को, यानी कि उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करे, है ना।
अभी प्रेजेंटली सीबीआई इज ऑपरेटिंग थ्रू है ना स्केची दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये काफी पुराना मैंने अंग्रेजों के जमाने का है ना ये स्टेट्यूट है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर एम्बिग्यूटी अवॉइड करनी चाहिए इन द प्रमोशंस ऑफ द सीबीआई ऑफिसर। एट प्रेजेंट स्टेट पुलिस इंस्पेक्टर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स ऑन डिप्यूटेशन गेट प्रेफरेंस ओवर द सीबीआई कैडर इन प्रमोशन ऑफ टॉप है ना इक्लॉन्स। तो टॉप पद पर कौन आता है भैया, टॉप पद पर सीबीआई के अंदर वो लोग आते हैं जो कि डिप्यूटेशन पर सीबीआई में आए हैं, जो कि सीबीआई के ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है जी। ठीक है सर, चलिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इश्यूज तो आप जान चुके हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लीजिए क्योंकि हो सकता है प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आए है ना, तो वो क्वेश्चन यहीं से बन जाए आपका, वो क्वेश्चन यहीं से बन जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। तो सीबीआई जो है सबसे पहली बात तो ये है कि वो किसके अंडर काम करता है, ये ध्यान रखना है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है ना। और इसके राज्य मंत्री कौन है, इसके राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और ये डायरेक्टली आता है प्राइम मिनिस्टर साहब के अंदर। ठीक है, तो इसके अंडर है ये, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है भारत का, सेंट्रल एजेंसी है ये, नोडल पुलिस एजेंसी भी है भारत में जो कि इंटरपोल है ना, इंटरपोल के लिए, इंटरपोल की एक्टिविटीज के लिए भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है। बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो इसका ऑरिजिन जो है वो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है ना, विच वॉज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट कब, 1941 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड के दौरान है ना, जब है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या बनाया, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाया, वहीं से इसका जेनेसिस है। तो दिस वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सीबीआई एग्जिस्टेंस में कब आया, इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ये एग्जिस्टेंस में आया 1963 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रिजोल्यूशन के माध्यम से। ध्यान रखना कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बनाया गया, एक रिजोल्यूशन, सरकार के रिजोल्यूशन के माध्यम से ये एग्जिस्टेंस में आया, सरकार ने कोई नियम, कोई पार्लियामेंट में एक्ट नहीं बनाया। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई वॉज रिकमेंडेड बाय संथानम कमेटी। संथानम कमेटी किस चीज पर काम कर रही थी जी, संथानम कमेटी को काम दिया गया था कि किस प्रकार से करप्शन का रोकथाम किया जा सके, ये जरा बताइए है ना। संथानम कमेटी ने क्या कहा, संथानम कमेटी ने कहा बहुत है ना गड़बड़ है यहाँ पे, सही करना पड़ेगा। ठीक है, सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ध्यान रखिएगा सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के माध्यम से बनाया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी तब होती जब उसके लिए हमने एक लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के अंदर पास किया होता। ये एक इन्वेस्टिगेटिव और है ना इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है, इन्वेस्टिगेटिव एंड ज्यूरिसडिक्शन पावर्स आर गवर्न्ड बाय द DSPE यानी कि दिल्ली स्पेशल है ना पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष, इसके है ना हेड जो होते हैं वो है डायरेक्टर, और इनके असिस्टेंस के लिए स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं या एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं। सामान्यतः ये डायरेक्टर और जो स्पेशल डायरेक्टर्स हैं ये सभी आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो कल को आप आईपीएस बनेंगे तो आप भी इधर जा सकते हैं। ठीक है जी, कल को आप आईपीएस बनेंगे तो आप भी इधर जा सकते हैं। कंफर्टेबल सर, कंफर्टेबल सर, चलिए यहां की बात समझ में आ गई तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बोले इसके अलावा कुछ जॉइंट डायरेक्टर्स भी होते हैं यहाँ पे, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स होते हैं यानी कि जिसको आप DIG कहते हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक, SP रैंक के भी ऑफिसर्स होते हैं। तो जो यूजुअल पुलिस स्ट्रक्चर होता है उस रैंक के ऑफिसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इनफैक्ट वहीं से आते हैं, है ना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सीबीआई के अंदर कई सारे डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स में से सबसे प्रमुख डिविजन्स कौन कौन से हैं, मतलब वैसे तो मैं सभी डिविजन्स आपको बताऊंगा। एंटी करप्शन डिवीजन सबसे प्रमुख है क्योंकि सीबीआई का जो जेनेसिस है, ओरिजिन जो है, वो ही एंटी करप्शन से डील करने के लिए हुआ था। संथानम कमेटी जिसने रिकमेंड किया वो मैंने आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे ही था। दूसरा, आपने एक मूवी देखी होगी थोड़े टाइम पहले, मूवी या वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता के ऊपर है ना, हर्षद मेहता का स्कैम 1990 या 1990। तो वो जो स्कैम था है ना वो बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन है ना देख रहा था। तो एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस का भी डिवीजन है, आप जैसे अभी प्रेजेंट कंटेक्स में आप देखें तो विजय माल्या है या नीरव मोदी हैं, मेहुल चौकसी हैं, सबका केस है। स्पेशल क्राइम्स डिवीजन है ना,
किसी बड़े है ना व्यक्ति का एसेसिनेशन हो गया, मर्डर हो गया, ऐसे केसेस। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, तो प्रमुख रूप से आपका एंटी करप्शन डिवीजन और जो इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स हो गए, इसके ऑर्गन्स हो गए। कंफर्टेबल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ तक कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर का रोल है वो क्या है और क्यों इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है। आपको पता है कि रिसेंट कुछ वर्षों से है ना, मतलब पिछले 2-3 वर्षों से तो और ज्यादा हो रहा है कि पार्लियामेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम हो गई। पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है से क्या तात्पर्य है? नंबर ऑफ केसेस है ना, नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ केसेस नहीं कहना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ बिल्स या नंबर ऑफ मतलब प्रपोज्ड लेजिस्लेशंस पार्लियामेंट के अंदर काफी ज्यादा रह रहे हैं और उन पर चर्चा नहीं हो रही है। पर ऐसा भी नहीं है कि वो पारित नहीं हो रहे है ना, पारित भी हो जा रहे हैं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिना डिस्कशन के पारित हो रहे। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोजिशन की है ना, जो काम होने नहीं दे रहा। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी की, जो अपोजिशन के साथ एक डायलॉग एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहा है ना। वैसे जाहिर सी बात है कि देखो अपोजिशन है तो दे आर मेंट टू है ना अपोज, बट मेंट टू अपोज का मतलब ये तो नहीं है ना कि हाउस का डिसरप्शन ही होता रहे, कभी वहां पर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम ही ना हो। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ पार्लियामेंट है ना। द पर्पस ऑफ पार्लियामेंट इज 3 है ना, 3D पर्पस है पार्लियामेंट का। क्या है वो 3D? पार्लियामेंट का पर्पस मैं आपसे कह रहा हूं कि 3D पर्पस है जी, 3D पर्पस। अब ये 3D क्या क्या है, 3D क्या क्या है? पहला डी है डिस्कशन है ना, पहला डी है डिस्कशन। दूसरा डी है डिलिबरेशन। तीसरा डी क्या है? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो 3D फंक्शन है पार्लियामेंट का, डिस्कशन, डिलिबरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। पार्लियामेंट का फंक्शन जो है वो डिसरप्शन नहीं है, है ना। दिस डिस्कशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डिसरप्शन। अपने आंसर में ऐसे लिख के आना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बोले अरे यार क्या लिख के आए हो भाई साहब, 5 नंबर एक्स्ट्रा एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, जस्ट किडिंग, 5 नंबर एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन में नहीं मिलते है ना। ऐसी चीजों से आधा नंबर बढ़ सकता है आपका, बट एवरी आप सोचो 20 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में आपने कुछ कुछ अच्छा लिखा, आधा आधा नंबर बढ़ा, 10 नंबर का मतलब समझते हो, 10 नंबर मतलब 100-150 रैंक ऊपर नीचे हो जाओगे, 10 नंबर में 100-150 रैंक ऊपर नीचे हो जाओगे तुम। ठीक है, चलिए, तो 3D डिस्कशन, डेलिब्रेशन और डीएम, ये काम है, डिसरप्शन काम नहीं है इनका, डिसरप्शन आजकल हो रहा है। ठीक है जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पर किसका होगा? तो आजकल चर्चा में ये आ रहा है कि भैया ऐसे में स्पीकर का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो स्पीकर मैनेज नहीं कर पा रहे, स्पीकर पर बात आ रही है। तो बात आ रही है कि स्पीकर जो है वो पार्शियल है, बायस्ड हो रहे हैं, इम्पार्शियल नहीं है। ठीक है, तो ये बात चल रही है। तो पहले तो हम जरा नेचर ऑफ स्टेट समझ लेते हैं हमारे यहाँ का ना, इस कंटेक्स्ट में इंडिया में जो मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसको कह रहे हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके पास सेम पावर है जैसा कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स के पास है। स्पीकर जो है वो हाउस के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी है, लोकसभा के अंदर जैसा कि है ना अगेन यूनाइटेड किंगडम में होता है, तो स्पीकर सुप्रीम अथॉरिटी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि स्पीकर जो है वो न्यूट्रल रहे, वो इम्पार्शियल रहे है ना। स्पीकर सुप्रीम अथॉरिटी है तो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाउस में है ना एक ऑर्डरली मैनर में जो भी बिजनेस है, हाउस का जो कामकाज है वो चल सके। दो एसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए स्पीकर की, पहला है इंडिपेंडेंस और दूसरा है इम्पार्शियलिटी है ना। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस और दूसरा क्या है? इम्पार्शियलिटी। तो दो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। स्पीकर जो है उनके पास पावर है टू डिसाइड व्हाट इश्यूज विल बी टेकन अप फॉर द डिस्कशन है ना, डिस्कशन के लिए किन मुद्दों को उठाना है ना, किन मुद्दों पर हाउस के अंदर डिस्कशन हो, पक्ष विपक्ष किन मुद्दों पर चर्चा करें। और अगर है ना जब भी एडजर्नमेंट मोशन की बात हो, देखो एक होता है एडजर्नमेंट, द हाउस इज एडजर्न, वो अलग चीज है कि स्थगित कर देना। एडजर्नमेंट मोशन जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी मिनिस्टर के खिलाफ एक प्रकार का सेंसर है ना। तो एडजर्नमेंट मोशन या कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो है, तो इनको भी परमिट करने का अधिकार स्पीकर का ही है, सोल अथॉरिटी है। तो अगर स्पीकर सोल अथॉरिटी है, दैट मीन्स कि जनता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है उसको अगर प्रकाश में लाना है, तो स्पीकर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पीकर के पद के बारे में मावलंकर साहब है ना,
मावलंकर साहब, आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा मावलंकर साहब के बारे में, तो मावलंकर साहब के बारे में, और अगर मावलंकर साहब या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या चल रहा था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कौन से बैकग्राउंड में कौन से एक्ट्स वगैरह थे, उनमें से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज रात 9 बजे से हम लोग शुरू कर रहे हैं लक्ष्मीकांत, है ना, पॉलिटी का सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पर, उसमें मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो मावलंकर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वंस अ पर्सन इज इलेक्टेड स्पीकर, है ना, ही इज एक्सपेक्टेड टू बी अबव पार्टीज एंड अबव पॉलिटिक्स, है ना, जब इलेक्टेड हो जाए, जब चुना जाए स्पीकर के रूप में, तो उसको पार्टी और, है ना, पॉलिटिक्स के ऊपर रहना है, है ना, उससे ऊपर उठकर रहना है। पंडित नेहरू जो है वो रेफर करते हैं टू स्पीकर एज सिंबल ऑफ द नेशन फ्रीडम एंड लिबर्टी, है ना, स्पीकर जो है वो सिंबल ऑफ नेशंस फ्रीडम, है ना, देश की स्वतंत्रता लिबर्टी का क्या है, सिंबल है। एंड एम्फेसाइज दैट स्पीकर शुड बी अ मैन ऑफ आउटस्टैंडिंग एबिलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी पर एम्फेसाइज कर रहे हैं पंडित नेहरू। बात यहीं खत्म नहीं होती, एमएन कॉल और एसएल, है ना, शकदेर क्या कहते हैं, ये सब आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पूरा ये जो हमारा मंथन का सीरीज है ना, इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बैकग्राउंड लिंकेज भी देता रहूं मैं, है ना, बैकग्राउंड लिंकेज रहेगा तब सॉलिड कंटेंट होगा आपके पास, फिर मजा आएगा बॉस। एमएन कॉल और एसएल शकदेर अपनी किताब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, में लिखते हैं कि स्पीकर जो है वो कंसाइंस और गार्जियन है हाउस का। स्पीकर क्या है भाई, स्पीकर इज द कंसाइंस एंड गार्जियन ऑफ द हाउस, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर स्पीकर का रोल इतना इम्पोर्टेंस है, स्पीकर के रोल का इतना इम्पोर्टेंस है, तो अभी इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े हो रहे हैं। कई सारे जजमेंट्स में आप देखेंगे जो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून जिसको आप कहते हैं, तो कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि मेन कॉज ऑफ द पार्टीशन, मेन कॉज फॉर द पार्टीजन रोल ऑफ स्पीकर इज असेंबलीज, है ना, मेन कॉज क्या है कि स्पीकर का पार्टीजन रोल जो है ना, भेदभाव करने वाला रोल असेंबलीज के अंदर। मेन रीजन बिहाइंड दैट इज स्पीकर बिलोंग्स टू एक्टिव रूलिंग पार्टी, दिस रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट डिसरप्शन ऑफ द हाउस, है ना, इंपैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंट डिसरप्शन ऑफ हाउस, क्या इंपैक्ट है भैया इसका, तो ये एक तो जो हाउस की प्रेस्टीज है उस पर, है ना, डेंट पहुंचाता ही है, उस पर चोट है ही, साथ ही साथ ये जो पार्लियामेंट का प्राइमरी फंक्शनिंग है ना, लेजिस्लेचर का प्राइमरी फंक्शन है, उसको भी क्या करता है, निगेटिवली इंपैक्ट करता है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंट डिस्क्रप्शन की वजह से जो बिल वगैरह हैं वो पास तो हो रहे हैं पर बिना डिस्कशन के पास हो रहे हैं। अब बताइए ऐसे डिसरप्शन का क्या फायदा, है ना, पार्लियामेंट का अगर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं हो रहा, पार्लियामेंट का ऑब्जेक्टिव ये था, और आप डिसरप्शन भी तो इसीलिए कह रहे हैं ना, डिसरप्शन क्यों करते हैं कि कहते हैं कि भैया सरकार हमारी बात सुने, है ना, तो आपके डिसरप्शन की वजह से बिना डिस्कशन के बिल पारित हो रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव कहाँ फुलफिल हो रहा है ना। ऐसे में समझदारी इस बात में थोड़ी है कि आप डिसरप्शन करते रहे, समझदारी इसमें है कि आप गवर्नमेंट को एंगेज करें, है ना, गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए आप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट सेशन में नॉट अ सिंगल बिल वॉज रेफर्ड, है ना, टू एनी पार्लियामेंट्री कमिटी एज हाईलाइटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, किसी भी बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा ही नहीं गया, तो सारे बिल, है ना, एकदम जंबो एयर, है ना, शताब्दी एक्सप्रेस भी नहीं, जंबो एयर जेट की स्पीड से निकल रहे हैं, ठीक है। अनदर कंसिक्वेंस इज कि इसकी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर ज्यादा प्रभाव चला जाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज बेसिकली द अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेट, है ना, एग्जीक्यूटिव का अधिकार लेजिस्लेट करने में, एक फ्रेमवर्क, ब्रॉड फ्रेमवर्क बना दिया लेजिस्लेचर ने, उसके अंदर जो बाकी के डिटेल्स हैं उन पर नियम कौन बना रहा है, एग्जीक्यूटिव बना, ये भी बढ़ रहा है। ऐसे में क्या सजेशन दे सकते हैं हम, सजेशन ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमारा संविधान का बेसिक फीचर है, ठीक है, और अगर ये सीज करता है तो हमारा जो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है वो कमजोर हो जाएगा। देयरफॉर इट इज सजेस्टेड कि स्पीकर हर लेजिस्लेचर का, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो यानी पार्लियामेंट या विधानसभा हो, ठीक है, शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी टू ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस, है ना, जैसे आप स्पीकर बनते हैं आपको रिजाइन कर देना चाहिए। एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ही रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी जब वो स्पीकर बने थे, ये बात कब की है, 1967 की, पर उस समय जो एथिक्स था, है ना, वो अब कहाँ रहा, उस समय जो एथिक्स था पार्टीज के अंदर वो अब कहाँ रहा, ठीक है जी। कंफर्टेबल है यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है।
ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। चले आगे, आगे चलें जी। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है वेमेन एट वर्क प्लेस, है ना। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वेमेन एट वर्क प्लेस, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बोले भैया देर इज अ नीड टू सी मोर वेमेन इन पोजिशंस ऑफ पावर, है ना, एंड दैट can only happen if they are recognized and enabled for their strength and not for acting like men, है ना। ये जो comparison है ना कि पुरुषों की तरह काम कर रही नहीं है, बोले ये सब फालतू की बात है। हम उनके स्ट्रेंथ पर, उनकी कैपेबिलिटीज पर एम्फेसाइज करें, तभी उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ सकता है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। वुमेन कंप्राइज 48% ऑफ पॉपुलेशन बट येट अ फ्रैक्शन ऑफ देम, है ना, आर एक्टिव ड्राइवर्स ऑफ इंडियंस इकोनॉमिक ग्रोथ। हम बात करते हैं कि भैया 5 trillion इकोनॉमी बनानी हमें, तो 5 trillion इकोनॉमी बिना वुमेन पार्टिसिपेशन के नहीं बन सकती, है ना। 5 trillion इकोनॉमी के लिए हमें चाहिए कि ज़्यादा लोग, जो वर्किंग पॉपुलेशन के लोग हैं, वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, है ना। तो वी हैव सर्टेन परसेप्शंस, तो क्या परसेप्शन है अगेंस्ट वुमेन? तो आप देखेंगे कि जो हम AI की बात कर रहे हैं, कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, इन स्किल्स की बात कर रहे हैं, है ना, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हाईलाइटेड कि रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ऑल दीज स्किल्स हैपन टू बी इननेट टू वेमेन, है ना। तो भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दो ट्रेट्स लाइक एम्पैथी, कंपैशन एंड सेंसिटिविटी दैट वेमेन आर गिफ्टेड विथ आर कंसिडर्ड वीक, दे आर एक्चुअली स्ट्रांग, है ना। एम्पैथी होना कोई बुरी बात थोड़ी, कंपैशन होना, सेंसिटिव होना बुरी बात नहीं है, ठीक है। वैसे वो जमाना रहा नहीं है अब, है ना, कि एम्पैथी है, सेंसिटिविटी है। भैया मेल्स में भी सेंसिटिव है ना, वो भी सेंसिटिव होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ वुमेन ही सेंसिटिव होती है, ठीक है। लीडर शुड इक्विप, मतलब आजकल की बात करोगे आप जो मॉडर्न दुनिया में है, तो है ना, बोले एम्पैथी काहे का एम्पैथी, ठीक है। लीडर शुड इक्विप देमसेल्फ विद दीज ट्रेट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन टुडेज, है ना, वर्ल्ड। अभी आप देखेंगे जो प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम है हमारा, उसमें दिस मेनली ट्रेन्स अस इन टेक्निकल नॉलेज एंड एकेडमिक स्किल्स, बट इन कॉन्ट्रास्ट कंपनीज, है ना, उन चीजों को लेस इंपॉर्टेंस देती हैं डिग्री को, एंड दे आर लुकिंग फॉर स्मार्ट, है ना, जर्नलिस्ट, एंड वेमेन आर डेफिनेटली स्मार्ट जर्नलिस्ट, है ना। तो क्या बदलने की जरूरत है, ठीक है। देर इज अ नीड टू ब्रॉडन द विजन एंड एस्पिरेशन ऑफ वेमेन बिलोंगिंग टू लो इनकम कम्युनिटीज, है ना। प्रेजेंटली दे आर हैविंग लिमिटेड एक्सेस टू जॉब्स रिलेटेड टू क्रिएटिव एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। मोर लीडरशिप रोल शुड बी असाइन टू वेमेन नॉट ओनली ऑन पेपर बट इन रियालिटी, स्पेशली जो SMEs हैं हमारे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उसमें वेमेन को लीड रोल्स पर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या अप्रोच की जरूरत है, किस अप्रोच को अपनाएं हम? बोले देयर इज, है ना, नीड टू अडॉप्ट मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच सो दैट वुमेन फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप्स कैन एस्पायर एंड बिकम फाइनेंशियल एनालिस्ट, है ना, कॉपी राइटर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, ठीक है, ये सारी चीजें। जेंडर, इनकम, बैकग्राउंड, टाइप ऑफ कॉलेज शुड नॉट एक्ट एज डिटरेंस इन द पाथ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो जो एम्प्लॉयबिलिटी है, दिस इज बिकमिंग अ सोशियो इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, है ना। द कॉजेटिव फैक्टर इज इनइक्वालिटी, जाहिर सी बात है, ना, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो देर इज अ नीड टू क्रिएट अ मैकेनिज्म दैट इनेबल सीकर्स फ्रॉम लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, है ना, टू डेवलप द सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। एक वुमेन पर मैं सोच रहा हूँ कि अलग से टॉपिक भी ले लूँ, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, है ना, वुमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी में, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एक उसके लिए अलग से टॉपिक लेकर आपको, आज है थर्सडे, नहीं आज फ्राइडे, ठीक है, तो संडे को आपके लिए एक वुमेन इश्यूज पर अलग से टॉपिक ले लेंगे, तो उसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा कर लेंगे, 40-45 मिनट का एक सेशन ले लेंगे उसके लिए, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, कल 8 बजे मिलेंगे मॉर्निंग में, ना, आज हम 8:25 के आसपास मिले थे, कल 8 बजे मिलेंगे। आज से हम लोग यहाँ पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, शिखर का सीरीज, 45 डेज का चैलेंज है टू क्रैक प्रीलिम्स, है ना, और ये सेशन, मतलब ये सीरीज शुरू हो चुका है, कल हमने इसकी अनाउंसमेंट की थी, ठीक है। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, आज 8:25 में शुरू हुई थी हालांकि, तो कल से 8 बजे पे ये वाली क्लास करेंगे,
और जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो शुभेंद्र सर, अभी क्लास शायद इनकी शुरू हो चुकी होगी, और इकोनॉमी का जो सेशन है वो भरत सर लेंगे, ऐसे करके पॉलिटी का सेशन है ना रात 9 बजे मैं लूंगा, सीसेट की भी क्लास है आपकी, सीसेट की क्लास का टाइमिंग है 6 PM, एनवायरमेंट निधि मैम लेंगी, इकोनॉमी भरत सर लेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री नवीन पूर्ति सर हमारे साथ नए जुड़े हैं वो लेंगे, तो आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। बाकी अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहें तो 18 तारीख से वहाँ पर बैच शुरू किया है, आप नेक्स्ट वीक का वेट ना करें कि भैया नेक्स्ट वीक नए बैच शुरू होंगे तब ज्वाइन करेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें, है ना, एवरी सिंगल डे इज इम्पॉर्टेंट, और नेक्स्ट वीक मानने में तो अभी 5-6 दिन है ना, तो आप बिल्कुल वेट ना करें, अगर आपने ज्वाइन करना है तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, खासकर अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं, इस बार के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक 2 मंथ्स का बैच कोर्स, 45 डेज का इनफैक्ट एक बैच कोर्स हमने प्लस के ऊपर शुरू किया है, इसमें आपके थ्योरी कोर्स भी है और साथ में सर आपको MCQ कोर्स भी मिलेगा, तो ये आपका बैच यहाँ पे शुरू हो गया, 45 डेज का कोर्स, आप 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर सकते हैं, 15,000 में आ रहा है, इसमें भी आप DN लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो ये जो कोर्स है ये आप सिर्फ 13,500 में परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मल्टीपल ऑफर्स चल रहे थे वैसे तो कल तक एंड होने वाले थे, बट हम थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अभी भी, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इज फॉर 49,000 ओनली, 2 ईयर का फॉर 71,000, ठीक है। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, बेसिक है ना, फाउंडेशन, कैप्सूल, कंप्लीट एक आपको पूरा है ना प्रॉपर आप कह सकते हैं कि कॉम्बो मिलने वाला है, टेसरीज है, लाइव क्लासेस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से ज्वाइन कीजिए, जब आप ज्वाइन करें तो इस कोड को यूज करें DN लाइव, सो दैट आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सके, आपका गाइडेंस, आपका जो पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी वगैरह है उसमें मैं आपको हेल्प कर सकूँ। आप 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 49 में ले सकते हैं, उसमें आपको प्री कम मेंस का बैच मिलेगा, ऑप्शनल मिलेगा, टेसरीज मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगा, टेसरीज प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी और ऑप्शनल का भी, अनअकैडमी की टेसरीज अलग मिलेगी, DN लाइव की टेसरीज अलग मिलेगी आपको, तो दोनों फायदे हैं आपको यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे ऑप्शनल अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं, है ना, तो आप इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अगर ज्वाइन करेंगे तो अभी साथ साथ आप GS और ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर देंगे। ऑप्शनल के 21 टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे, GS के 80 टेस्ट फ्री में मिलेंगे, 50 प्रीलिम्स के हैं, 30 मेंस के हैं उसमें से, है ना। चलिए ये बात हो गई जी। अगर आपको कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें हैं तो आपके लिए लोन की भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोन के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस, एक आइकॉनिक। प्लस में वो हर चीज़ है जो अभी तक आपको बताया, आइकॉनिक में उसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस और स्टडी प्लानर वगैरह भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको हम एक और मेंटर अलॉट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने सिर्फ GS का सब्सक्रिप्शन लेना है वो भी ले सकते हैं, 44,000 फी है उसके लिए, 64,000 2 ईयर के लिए, यहाँ पे भी आपको वही DN लाइव कोड अप्लाई करना है, ठीक है, आप आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइकॉनिक की फी थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज फैसिलिटीज़ वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, मैंने आपको बता दिया। अभी 18 से काफ़ी सारे बैचेस शुरू हैं, 18 के बाद 25 से भी बैचेस शुरू होंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप टाइम वेस्ट ना करें, अगर ज्वाइन करने का सोच रहे हैं मन में है तो जल्दी से जल्दी कर लें, है ना, 2 क्लासेस हुई हैं, आप इनको आराम से कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डू नॉट वेट फॉर 25th, ठीक है। तमिल का भी बैच शुरू हुआ है तो यू कैन ज्वाइन दिस एज वेल, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़े रहें, इस सेशन का PDF अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक इट।